प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में डॉक्टर फिजा अकबर ने मीर शकील, मीर इब्राहिम और उमर चीमा का भांडा फोड़ दिया। बैनुल अक़वामी कानूनी माहिर मर्ग थॉमस के इनकशफात बता दिए। मीर शकील, मीर इब्राहिम ने उमर चीमा को भारी मुआवजा देकर एग्जैक्ट और बोल के सीईओ शुएब अहमद शेख समेत कई कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल करवाए। मर्ग थॉमस ने बताया कि मीर शकील और मीर इब्राहिम मुल्क दुश्मन सहाफी डेक्लिन वॉल से मिलकर शुएब शेख के खिलाफ माजी में भी झूठी खबरें छपवा चुके हैं। मर्ग थॉमस ने कहा कि इसी केस में उमर चीमा ने FIA को FBI के जाली दस्तावेजात भी फराहम किए, जो बाद में FBI ने झुटला दी। यहां तक के प्रोसिक्यूशन के गवाह ने भी मीर शकील और मीर इब्राहिम के मास्टरमाइंड होने की गवाही दी। मर्ग थॉमस ने यह भी दावा किया था कि उनके पास इस पूरी डील की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो वो अदालत में पेश कर सकते हैं। मर्ग थॉमस ने मुल्क की इदारों से भी सवाल किया कि मीर शकील, मीर इब्राहिम और उमर चीमा के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, फिर भी आखिर क्यों ये इदारे खामोश हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ताजफाश किया गया इस ब्लॉग में, वो भी जरा सुनिएगा कि जी उमर चीमा ने अपने मालिक मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम के कहने पर एग्जैक्ट और बोल के चीफ एग्जेक्टिव समेत कई कारोबारी शख्सियात के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल करवाए। अच्छा, मीर शकील और मीर इब्राहिम ने डेक्कन वॉश मुल्क दुश्मन सहाफी से मिलकर एग्जैक्ट और बोल के चीफ एग्जेक्टिव शुएब अहमद शेख के खिलाफ मनगढ़ंत और झूठी खबर छपवाई और झूठा प्रोपोगेंडा किया। यहाँ तक कि उसी केस में जो उस केस के प्रोसिक्यूशन के गवाह ने भी मीर शकील और मीर इब्राहिम के मुलव्वस होने की तस्दीक की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।